अभी हम लोग आए हैं डमस्ट्रिक में। आज डमस्ट्रिक तोड़नी है तो मैं मम्मी पापा बड़े पापा बड़ी मम्मी सब आए हैं। भाभी तीर्थ और दादी माँ और भाई ही घर पर है। आज भाई आया है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं तो मुझे घर पर दादी माँ के पास रहना पड़ता है। ये मेरे बाल भी अटक गए तो आज दोपहर तक हमें उतार लेना है, उसके बाद मार्केट में भेजना है, इसलिए अहमदाबाद जाएगी। तो गाड़ी 1 बजे निकलने वाली है तो उससे पहले हमें पहुंचना है। यहाँ पर काफ़ी सारी अभी फलियाँ हो चुकी है, छोटी छोटी है, ये अगली बार तोड़नी है। और ये पूरी तरह से पक चुकी है, ये रेडी है। देखिए इसके अंदर जो दाने दिख रहे हैं वो दाने दिखने चाहिए, अब ये पकती है। और ये अभी काफ़ी कच्ची है फलियाँ और काफ़ी अच्छे से अब हो गए हैं डमस्ट्रिक, क्योंकि बीच थोड़ी सी जब हवा ज़्यादा चल रही थी तब सूख गया था, लेकिन अभी बारिश आ गई है तो अच्छे से सारे जो डमस्ट्रिक के पेड़ है वो ग्रोथ में आ गए है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे 3-4 पेड़ नहीं हैं, सूख गए थे, अब छोटे छोटे लगाइए। देखिए इतने छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन यहाँ पर 4 छोड़ नहीं है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी धूप नहीं निकल रही है, बारिश जैसा ही मौसम लगा रहता है, बादल छाए रहते हैं, तो ऐसे में खेत में आना काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि नीचे ये देखिए ज़मीन एकदम गीली है और बारिश जैसा मौसम और हल्का हल्का पवन भी चल रहा होता है, तो ऐसे में काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मम्मी ने स्टार्ट कर दी है डमस्ट्रिक सिंगे लेना। दिखाओ तो मम्मी, ये देखिए मम्मी के हाथों में ये एक और ये ले लो, ये लो। और यहाँ पर पापा भी आ गए हैं। आयरिन ये इतपाकी नत गई, ये पिछली बार रह गई थी तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, मोटी हो गई है। अब ये नहीं जाएगी मार्केट में क्योंकि इतनी मोटी है वो मार्केट में नहीं चलती है, छोटी ही चाहिए। इसलिए अभी काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें बिल्कुल भी फूल भी नहीं आते हैं और एक भी सिंग भी नहीं है। पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम है वो पेड़ में कि उसमें फूल ही नहीं है। देखिए ये जो मेरे पीछे ये बड़ा सा पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, लेकिन उसमें एक भी फूल नहीं है। अब फूल आना स्टार्ट हुए हैं, देखिए कहीं एक जगह पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, 1-2 ही फूल है, बाकी कोई फूल नहीं है, ऐसे ही खड़े हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेड़ है जिसमें बिल्कुल भी फूल नहीं है, और ये वाला पेड़ है उसमें काफ़ी सारे फूल आ गए थे, लेकिन बारिश की वजह से देखिए ये नीचे की ओर कितने सारे फूल चढ़ गए हैं। अगर ये जो बारिश नहीं आती तो ये सारे फूल है उसमें सींग लग जाती काफ़ी सारी, लेकिन बारिश की वजह से ये बिल्कुल भी जो फूल है वो रह नहीं सकते हैं, गिर जाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, ये देखिए नीचे की ओर काफ़ी सारे फूल गिर गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि अभी सींग का होने का टाइम है और सारे फूल जड़ जाते हैं तो फिर सींग नहीं होती है। ये सींग भी एकदम रेडी हो गई है, इसे तोड़ना काफ़ी आसान है और अच्छा भी लगता है और काम भी फटाफट हो जाता है डमस्ट्रिक का, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही हम तोड़ लेते हैं। ये डाली भी टूट गई साथ में, और ये काफ़ी टेस्टी लगती है, कड़ी कड़ी कढ़ी बोलते हैं हम, कड़ी जो छास की और चने के आटे की बनाते हैं उसमें डालते हैं ना, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। दाल में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है डमस्ट्रिक, और ऐसे ही हम उसे उबाल कर खाते हैं तो भी काफ़ी अच्छी लगती है, और सेहत के लिए तो ये काफ़ी हेल्दी है, डमस्ट्रिक खानी चाहिए रोज़। हम एक दो सींगे खाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर चद्दर बिछा दी है मम्मी ने, पूरे जो हमारा खेत है उसके वहाँ से हम इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम घर पर लेकर जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर रख देती हूँ और उस साइड से हम लेना स्टार्ट करेंगे सींगे, क्योंकि यहाँ एंड है, यहाँ से हम रास्ते से निकल जाते हैं ना, ताकि वो अगर उस साइड के किनारे तक जाएंगे तो फिर वहाँ से डमस्ट्रिक को लेके आने में काफ़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर हाथों से उसे अपनी पीठ के ऊपर लेकर आना पड़ता है ना, इसलिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा पेड़ था लेकिन बारिश की वजह से गिर गया है, यहाँ पर पानी भर जाता है,
यहाँ पर देखिए ये झुक गया है, आगे भी एक पेड़ गिर गया है, और यहाँ पर तो काफी बड़ा पेड़ था वो भी देखिए पूरी तरह से गिर गया है। काफी दिक्कत रहती है बारिश में डंपस्टर गिर जाने की, क्योंकि ऊपर ज्यादा लोड होते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं पेड़, तो उसके पत्तों और डालियों का भी वजन ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो जल्दी ही गिर जाते हैं। तो ऐसे कई सारे पेड़ हैं वो पूरे जो हमारा खेत है वहाँ उसके अंदर गिर गए हैं, ऐसे पापा बोल रहे थे। मैं अभी जाऊंगी तो देखूंगी कितने गिरे हैं, लेकिन पापा बोल रहे थे कि काफी सारे पेड़ गिर गए हैं बड़े बड़े। तो आज जो बारिश नहीं थी तो अच्छा था, क्योंकि डंपस्टर तोड़नी थी और अगर बारिश आती तो फिर हम खेत में नहीं जा सकते थे, तो अच्छा हुआ। तो हमने दोपहर को 12:30 बजे तक डंपस्टर तोड़ा, और उसके बाद डंपस्टर को पैक करना पड़ता है बोरी में, और उसका वजन भी करना पड़ता है, फिर बोरी को सील कर उसे पापा और बड़े पापा गांव में छोड़ रखने के लिए गए थे, क्योंकि गाड़ी लोड गांव से होती है तो वहां तक हमें पहुंचाने जाना पड़ता है। फिर 1 बजे गाड़ी निकलने वाली थी, इसलिए 12:30 बजे ही पापा और बड़े पापा रखने के लिए गए थे वहां पर। तो अभी मम्मी यहां पर काउ मिल्किंग कर रही हैं गंगा की, अभी गंगा ऐसे ही काउ मिल्किंग करने देती है क्योंकि अभी बछड़ा नहीं रहा है जो हमारा शंभू था वो, तो गंगा की गंगा बहुत अच्छी है इसलिए वो बिना बछड़े के भी काउ मिल्किंग करने दे देती है। तो यहाँ पर अभी मम्मी कर रहे हैं, खींचो सामने फिर से देवम गिर गया खींचो देवम खींचो खींचो जोर लगा के, और जोर लगाओ और जोर लगाओ, देखो भाई फिसल रहा है, तुम जोर लगाओ खींचो देवम और जोर से, देवम हार जाएगा लगता है, नहीं खींचो देवम खींचो 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 देवम भी पीछे नहीं हट रहा है, देखो तीर्थ के सामने बहुत जोरों से पकड़ रखा है देवम ने तीर्थ ऐसे नहीं करते, तीर्थ बीच में थोड़ा छोड़ देना है। कर रहे देवम तुम, ये देखो कपड़े गंदे हो रहे हैं जैसे ही लेट रहा है, अब बहुत हो गया, हाथ में दर्द हो जाएगा, छोड़ दो अब ऐसे ही खेलो मिट्टी पर, देवम उसे छोड़ दो, तीर तुम छोड़ दो अब, बस अब मिट्टी पर खेलो, बना रहे हो देवम, आज भी देवम का ट्रैक्टर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। देवम तुम्हारा ट्रैक्टर कहां पर है, कहां पर रख दिया, ये क्या बनाया, अगर रात को बारिश आएगी तो फिर तुम्हारे स्विमिंग पूल में पानी भर जाएगा, नहीं देवम तुम कल सुबह फिर नहाने आओगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देख के बोलो, तो ऐसे मेरे सामने देखो देवम,